गंगा और गंडक ने अपने उफान से ऐसा आतंक मचाया कि हजारों लोग अपने घर, खेत और मवेशियों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए। 16 सितंबर तक दियारा क्षेत्र में बाढ़ जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन 17 सितंबर की रात अचानक जलस्तर बढ़ने लगा। सुबह लोग उठकर देखे तो सड़कों पर पानी बह रहा था और घरों में पानी प्रवेश कर चुका था। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे से स्थानीय लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन गंगा और गंडक के दोद्र रूप के सामने सारे बचाव कार्य फेल हो गए। किसान अपने खेतों में बैगन, भिंडी, गोभी जैसे फसलों को तैयार करने के कगार पर थे, लेकिन जल प्रलय ने उनकी मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया। सोनपुर पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुका था और लोग चिंता में डूबे हुए थे कि उनकी फसलें कैसे बचेंगी। सबलपुर दियारा क्षेत्र के किसान अब मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। कर्ज लेकर की गई खेती अब बर्बाद हो चुकी है। जब लोकल 18 की टीम सबलपुर पहुंची, तो किसान अपनी दास्तान सुनाते नजर आए। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो खाने पीने वाला था सब बर्बाद हो गया। हम लोग का क्षति बहुत है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई देखने आया है? कोई देखने नहीं आया है। ना कोई विधायक आया है, ना कोई नेता आया है, ना मुखिया कोई आया है। कोई नहीं आ रहा है। हम लोग तो खेती कर रहे थे, खेती में लगे हुए थे। बाढ़ है, उसके बाद आप लोग कहाँ माने निकल के? यहाँ से निकल के ऊंचा पेड़ थे। हाँ, जब आया तो पूरा खत्म। हाँ, पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ तो बहुत सारा सामान नुकसान हुआ। रो रहे थे। अब घर द्वार छोड़ करके इधर उधर जहाँ तहाँ लोग शरण लिए हुए था। आ यही स्थिति होता है 2 साल 4 साल पर। वही स्थिति इस साल भी हुआ। यहाँ लोग ज़्यादातर किराना खेती करता है। लोकल में बैगन है, कदुआ है, नेनुआ है, यही सब का खेती होता है। और सब कोई अपना मेहनत करके जल्द से जल्द लगा दिया था कि ताकि जल्द से जल्द हम उपजाएं या कुछ आमदनी हो, खाने पीने रहने का खर्चा निकले। सब कोई के खेत में लगा हुआ था। भिंडी लगा हुआ था, देखे दहा हुआ है। सब और सब खेत में बैगन के बीज लोग गिरा करके पोस करके रखे हुए था, सब गाड़ दिए और सब दह गया। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। कोई देखने सुनने वाला कौन है? मुखिया तो है, तब ना बैठ के ऐस करेगा। हाँ, बहुत होगा तो उसका चमचा बेलचा है, उसको चाहे पिलाता है 2-4-5-10 गो के जरूर। यहाँ मधोई पूर्वी पंचायत है। फसल तो बिल्कुल यहाँ का चौपट है, बिल्कुल बर्बाद है। 1 इंच नहीं बचा हुआ। चल के खेत में देखा जाए, खेत में हम घुमा करके बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक चारों पट्टी एकदम जितना किसान था यहाँ के, समझिए कि मर रहा है भूखे। लेकिन कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई नहीं, खाली कहता है कि हम पंच हैं। हाँ, बतियाया कोई नहीं। कोई नहीं देखने आया कि कौन मर रहा है, कौन जिंदा। सरकार नाव दिया, ना कोई सुविधा दिया, ना कुछ दिया। और मतलब सितंबर महीना में मुख्यमंत्री जी बोले का कि बाढ़ आता है क्या, कि बाढ़ नहीं आता है। तो बाढ़ नहीं आया तो ये सब क्षति कैसे हो गया? क्या ये मतलब बारिश के पानी से हुआ कि किस चीज से हुआ? उनको भी समझ नहीं, क्योंकि उनको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि वो तो बड़े बड़े विशाल मकान में बैठ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। जमीन पर रहेंगे तब ना पता चलेगा। किसान के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, तब ना दर्द समझेंगे। ये मेरा 4 पंचायत है। चारों पंचायत का स्थिति दयनीय हो गया। लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। माल जाल को जहाँ तहाँ ले जाकर रखा शहरों में। शहर वाले अलग भगा रहे थे कि यहाँ पर क्यों माल जाल ले लिया, क्यों लाया, कचरा कर रहा है। दियर का आदमी आ गया तो शहर में भी नहीं रहने दे रहा है, बड़े लोग, पैसे वाले लोग। और देहात का आदमी तो गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ रहे? सरकार भी कहीं सुविधा नहीं किया कि कहीं कैंप लगा दे कि वहाँ पर शिविर में लोग रहे या खाना पीना का व्यवस्था किया जाए। यहाँ आदमी तो 1 हफ्ता भूखे रहा, समझिएगा कि कुछ नहीं मिला पानी छोड़कर। पानी ही पानी, जीना भी पानी से, मरना भी पानी से ही है। ये स्थिति हो गया है। अनिल प्रसाद यादव ने बताया कि 1 सप्ताह पहले बाढ़ आई थी और प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने अपने गांव को छोड़कर शहर में मवेशियों के साथ रहना शुरू कर दिया। अब जब हम अपने गांव लौट रहे हैं तो खेतों की हालत देखकर मायूस हो गए हैं। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बाढ़ के बाद किसानों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब उन्हें नए सिरे से जिंदगी जीने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस कठिनाई के समय में
सरकारी सहायता और संसाधनों की बेहद जरूरत है ताकि लोग फिर से खड़े हो सकें और अपनी फसलें उगा सकें।